इंडियन आइडल 12 फेम पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी हमेशा ही हेडलाइंस में छाई रहती है। इंडियन आइडल खत्म हुए तो महीनों बीत चुके हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और फिलहाल ये जोड़ी लीगल केस की वजह से सुर्खियों में है। अपनी आवाज़ और प्यार से हर किसी का मन मोह लेने वाले पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल एक कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। दोनों पर एग्रीमेंट के बाद म्यूजिक एल्बम शूट कर और उसे प्रमोट ना करने का आरोप लगा है। ये म्यूजिक वीडियो ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के थे, जिसके लिए ऑक्टोपस की तरफ से सोनी टीवी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को एल्बम के लिए 20 गानों की शूटिंग करनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक गाने को शूट करने से इनकार कर दिया। सोनी टेलीविज़न ने इसका कमिटमेंट उस समय दिया था जब पवनदीप और अरुणिता इंडियन आइडल में थे और तब तक इंडियन आइडल के विनर की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को लेकर हुए इस एग्रीमेंट की प्रेस अनाउंसमेंट पर भी अच्छी खासी रकम खर्च की गई थी।